क्लाइंट का कॉल आ रहा था जिनका सवाल बहुत कॉमन था, आजकल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि सिटी से बाहर प्लॉट लेके उसके ऊपर हम कुछ बनाते हैं और उसको एयरबीएनबी पे रेंटल के लिए यूज करते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में ये है कि क्या हम इसके लिए एनए प्लॉट ले या एग्रीकल्चर प्लॉट लेके थोड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाए। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है, मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 13 साल में मैंने 1250 से अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। आज बात करते हैं, अगर आप सिटी से बाहर एनए प्लॉट खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं। पहली बात तो आपको एरिया जो मिलता है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है, यानी अराउंड 2000-3000 स्क्वायर फीट इतना एरिया आप पूना सिटीज के बाहर अगर प्लॉट देख रहे हो अराउंड 50 लाख के रेंज में तो वहां बैठ सकता है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि उसके ऊपर आप जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाएंगे या फिर लैंड लेने के लिए जाएंगे तो आपको लोन अवेलेबल होता है अगर वो एनए प्लॉट है तो। एंड थर्ड बात ये इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी एनी प्लॉट है ये बस एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर आता है, नॉट नेसेसरी उसके आजू बाजू में बहुत सारी सीनिक व्यूज होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। क्योंकि एयरबीएनबी की जो बुकिंग्स है या फिर bookings.com पे जो बुकिंग आती है, लोग नॉर्मली रिलैक्स करने के लिए, नेचर के नजदीक रहने के लिए आते हैं। तो अगर आपका प्लेन लैंड है जिसके आजू बाजू कोई व्यू नहीं है, इन बिटवीन ऑल द प्लॉट्स है, सभी साइड से सराउंडेड है, तो लोगों को उतना ज्यादा फील नहीं आता है, तो ऑब्वियसली उतना रेंटल आप फेच नहीं कर सकते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हो, फार्म हाउस लेने के लिए जाते हो, तो फार्म हाउस लेने जाते हो तो आपको थोड़ा सा सिटी से बाहर जाना पड़ता है, माइट भी 1.5 घंटा से 1.75 घंटा के रेंज में पूना से। सेकेंडली आपको एरिया बहुत स्पेशियस मिलता है, लाइक 11,000 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया एग्रीकल्चर का लेना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको उतना बड़ा एरिया यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है, एंड दैट्स अ ह्यूज एरिया। ऑब्वियसली जहां जहां पे फार्म हाउसेस बनने वाले हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वहां पे नेचर व्यू ये सब बेस्ट होता है, तो आप एयरबीएनबी पे अच्छे से अच्छे रेंटल फेच कर सकते हैं। तो माइट भी आप एनए प्लॉट के ऊपर उसी एरिया में कुछ बना रहे हो और एग्रीकल्चर प्लॉट के ऊपर कुछ अच्छा सा बना रहे हो फार्म हाउस टाइप, तो डिफरेंस इन द रेंटल टोटली डिपेंड्स ऑन आपने वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस बायर को दिया हुआ है, कितना अच्छा आपका 1 या 2-3 BHK आपने बनाया है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि हमें एनए लेना चाहिए या फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड लेके थोड़ा बड़ा एरिया लेना चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ यूज के लिए भी यूज हो और बाय डिफॉल्ट अगर हम रेंट पे डाल सके, अच्छा रेंट मिले, तो आपने फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड के लिए जाना चाहिए। अगर आपके एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं।